उम्र भर तेरी कैद में रहूं मेरे बाबा, उम्र भर तेरी कैद में रहूं मेरे बाबा, अजी कोई ऐसी सजा दीजिए खाटवाले, आज कोई ऐसी सजा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, ओ मुझे खाटू बुला लीजिए। हाँ जी, 1, 2, 3, 4
कीर्तन में है दोनों हाथ उठाकर बताएंगे, जिनका मन अभी भी कीर्तन में लगा हुआ है, क्या बात है। आप जितने भगत अभी ताली सेवा कर रहे हैं, मेरा ठाकुर से निवेदन है कि सेठ ये वो बच्चे हैं जो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये वो बच्चे हैं जो आपकी सेवा के लिए आए हैं। आप किसी दरबार में जब तोरण द्वार से घुसते हैं तो वहां पर कोई चार पांच भगत खड़े होते हैं जो जूता सेवा में लगे होते हैं, जो लोगों की चरण पादुकाएं अपने पास रखते हैं और जब आप वापस जाते हैं तो आपको लौटाते हैं। वो क्या है? वो किसी ना किसी प्रकार की सेवा है, वरना आपकी चरण पादुकाओं में ऐसी कौन सी रज लगी है जो खास है? आपकी चरण पादुकाएं उस श्याम के दरबार की तरफ आए हैं और उस दरबार के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए वो सेवा बाहर दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की सेवा है। आप दरबार में आते हैं, आप भांति भांति के लोगों को देखते हैं, जैसे वहां उस हमारे अंकल की तरफ देखिए, वहां पर वो जो हमारे बुजुर्ग भाई साहब वहां पर, बाऊजी आपकी उम्र लगभग 50, पचपन, 65, 65 बाऊजी 65 साल की उम्र में वो कितने लीटर का है? वो 40, 14 लीटर। तो बाबूजी 65 साल की उम्र में 14 लीटर, एक बच्चे को जब मां कह देती है ना कि बेटा आटा खत्म हो गया है, 10 किलो का बोरा नीचे पंसारी की दुकान से लेकर आ जा, तो उसको मौत आती है कि मैं क्यों जाऊं, हैं? वो बहाने ढूंढता है। और बाबूजी 14 लीटर कंधे पर लाद कर और आप सबके समक्ष सेवा दे रहे हैं, ये भी तो सेवा ही है ना। बाहर कोई जूता सेवा दे रहा है, वो इत्र की सेवा दे रहे हैं, मैं भजन गाकर सेवा दे रहा हूं, नरेश पुनिया जी साज वाद करके साज को बजाकर सेवा दे रहे हैं, वो साउंड की सेवा दे रहे हैं, वो कैमरे की सेवा दे रहे हैं, आप सब बैठे हैं, आपके हक में तालियों की सेवा आई है। बोलिए श्याम प्यारे की,
पगड़ी नतन पे है जामा। बड़ा 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 बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। पता तू कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है पार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका कर नसीबा गया। मिलने सका जिसने जिसने ये भजन आज से पहले सुना हो उठाना जरा दोनों हाथ। ये पूरा पंडाल गूंज जाए ऐसी आवाज में गाना। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया। दर पे सुदामा भटकते न जाने कहां से। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के गरीब आ गया। तुम्हारे महल के गरीब आ गया। मेरी बात पर गौर फरमाना प्रेमियों। सुदामा कन्हैया सखा थे मित्र थे दोस्त थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो द्वापर का जमाना था और द्वापर युग में एक कृष्ण और एक सुदामा था। मगर ये कलयुग है जनाब। इस कलयुग में कृष्ण तो एक है मगर सुदामा बहुत सारे हैं। अपने आप को सुदामा के रूप में देखना। अगर आपने इस दरबार में आज की बात कर रहा हूं आज की आप में से जिस भी प्रेमी ने आज बाबा से एक भी अर्जी लगाई हो तो अगली लाइन आपके लिए। अगर सच्चे मन से अर्जी लगाई है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया घबरा वो प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबरा वो प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा गरीबा गया है। खुशी का समा गरीबा गया है। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो। I'm not afraid to die.
तुम्हारे महल के करीब गया, तुम्हारे महल